नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिजानुर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट पर। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म क्या है, कैसे होते हैं और इसका सही इलाज क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कुछ लोगों को फिर से ये बीमार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ठीक होने के बाद भी फिर से आ रहे हैं, कुछ लोगों का तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। कमेंट्स में मुझे बहुत सारा सवाल मिला है, मैं पूरा सवाल का एक साथ एक ही वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। किसी ने कहा सर एट्राकोनाजोल यूज़ करने से क्या ये ठीक होंगे, किसी ने तो कहा सर पूरा एक बॉक्स एट्राकोनाजोल कैप्सूल खा लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, कुछ लोगों ने तो कहा सर एक बार ठीक हुआ फिर से आ रहे हैं, किसी ने पूछा 5 साल से है जाने का नाम ही नहीं ले रहे, अब तो थक चुका हूँ, अब तो मेडिसिन से भी भरोसा उठने लगा। ये पूरा सवाल का जवाब मैंने आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटली रेडी होना है कि हाँ मुझे इस बीमार से अब छुटकारा मिलना है, किसी भी तरह से इस बीमार का भी ठीक करना है। दूसरी बात है कि मेडिसिन जितना है पूरा कोर्स आपको यूज़ करना है, एक दो दिन यूज़ करने के बाद छोड़ दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप मेडिसिन अप्लाई करते हैं तब 2-3 दिन या तो 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद आपको बीमार ठीक हो रहे हैं, तो उसके बाद आप भूल जाते हैं कि हाँ फिर से मेडिसिन यूज़ करना था, ऐसा ना करें। तीसरी बात, मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है, जैसे कि आपको क्लीननेस मेंटेन करना है, आपके कपड़े रेगुलरली वॉश करते रहना है और आपको हर मेडिसिन का सही समय पर सही टाइम पर सही डोज लेना है। अगर आपका बॉडी में फंगल इन्फेक्शन बहुत दिनों से है और ठीक नहीं हो रहा है तो आप एज ए क्रीम लुलिकोनाजोल 1% क्रीम यूज़ कीजिए, और अगर पूरा बॉडी में छा गया तो लुलिकोनाजोल लोशन यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ इट्राकोनाजोल 100 mg और 200 mg कैप्सूल रहते हैं, आपको उम्र के हिसाब से ये ले सकते हैं। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन को बहुत इट्सिंग होते हैं, खुजली होते हैं, तो आप एंटीहिस्टामिन जैसे कि लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, मोंटेलुकास्ट सोडियम, ये भी टैबलेट मिलते हैं, एज ए टैबलेट फॉर्म मिलते हैं, आप ये दिन में एक बार करके ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी में डायबिटीज़ जैसा और कोई बीमार है और आपको फंगल इन्फेक्शन हो के रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी मेडिसिन ना यूज़ करें। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इंस्टेंट फार्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।